तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। भाई आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही वार्निंग, मतलब काफ़ी आप लोगों को समझना होगा, काफ़ी आप लोगों को डिफरेंट टाइप का ये रेट कार्ड होता है स्विगी में, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा डिटेल में बहुत ही अच्छे से देखना और कुछ बातों को बहुत ही ध्यान रखना, यानी आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तभी आपको पूरा पे आउट मिल पाएगा, स्विगी में अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, और अगर ज़रा सा भी चूक गए तो वो आप लोग अर्निंग जो है पूरी खो देंगे। तो इस वजह से ये पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच करते रहना, और अब आप लोग जो है स्विगी में अगर काम करना चाहते हैं तो ये रेट कार्ड ज़रूरी है देखना आप लोगों के लिए। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम आप लोगों को यहाँ से हम जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा लेते हैं इस तरीके से, और अब आप लोगों को यहाँ पे साइड में पूरा दिखेगा भी। तो देखो सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ दिखाते हैं कि डेली वाला जो होता है, डेली वाले में आप लोगों को करना क्या है, हम आप लोगों को वीकली बताएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, बट आप लोगों को अभी हम यहाँ पे डेली के बता देते हैं। तो डेली में सबसे पहले देखो देखो भाई, सुबह 7 से 11 वाली शिफ्ट जो स्टार्ट होती है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 3 घंटे 30 मिनट जो है आपको मिनिमम देना है, 3 घंटे 30 मिनट देना है, जिसमें आपको ₹35 इंसेंटिव मिलेगा। और इसमें लिखा हुआ है 3 घंटे 30 मिनट मिनिमम, और डू नॉट रिजेक्ट मोर देन वन ऑर्डर, डिलीवरी एटलीस्ट 2 ऑर्डर, ठीक है ना। इसको गौर से देखना कि 2 ऑर्डर मिनिमम आपको करना ही करना है, और आपको 1 ऑर्डर से ज़्यादा रिजेक्ट भी नहीं करना है। फिर आएगा 11 से 4 वाली जो शिफ्ट होगी, उसमें कितना इंसेंटिव मिलेगा, तो उसमें हम आप लोगों को इंसेंटिव अगर बता देते, देखो 11 से 4 वाले में 5 घंटे में 4 घंटे 30 मिनट आपको मिनिमम लॉगिन रहना है, ₹40 आपको इंसेंटिव मिलेगा, और इसमें 1 ऑर्डर आप लोग जो है रिजेक्ट कर सकते हैं, 3 ऑर्डर आपको मिनिमम इसमें डिलीवर भी करने हैं। फिर अगर नेक्स्ट थोड़ा फास्ट ले चलते हैं आप लोगों को रेट कार्ड के बारे में, थोड़ा फास्ट अगर बताएंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप लोग बोर भी नहीं होंगे, और आपको अच्छे से रेट कार्ड समझ में आ जाएगा। फिर आएगा फिक्स्ड पे स्नैक टाइम में, स्नैक टाइम यानी 4 बजे से 7 बजे तक, यानी 3 घंटे के स्लॉट में आपको 2 घंटे 30 मिनट आपको मिनिमम लॉगिन रहना है, तब आपको मिलेगा ₹30 इंसेंटिव, और उसके बाद आपको 1 ऑर्डर से ज़्यादा रिजेक्ट नहीं करना है, सेम कंडीशन, और 2 ऑर्डर आपको मिनिमम डिलीवर करने हैं, और कर भी लेंगे भाई, ऑर्डर काफ़ी लगते हैं स्विगी में, काफ़ी पिकअप भी करता है और ड्रॉप का भी, और थोड़ा सा अमाउंट जो है कम रहता है जोमेटो के कंपेयर पर, स्विगी के अमाउंट जो है थोड़ा सा डाउन रहता है। वो स्विगी और जोमेटो का जो कंपेयर वाला वीडियो बनाएंगे उसमें हम आप लोगों को पूरा डिटेल बताएंगे क्या कंपेयर्स होते हैं, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो 1 से 2 वीडियो के बाद में आपको मिल जाएगा। और भाई डेली जो ब्लॉग वाला वीडियो है, आज मैं अमाउंट लगाने वाला हूँ, तो भाई पूरा कंप्लीट ब्लॉग्स देखा करें भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मतलब इन्जॉयफुल रहता है, काफ़ी माइंड फ्रेश हो जाता है इससे कि ब्लॉग में क्या क्या कैसे कैसे कस्टमर्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि फिक्स्ड पे जो डिनर टाइम होता है 7 बजे से 12 बजे तक का जो टाइम होता है, इसमें आप लोगों को देख सकते हैं कि जो 4 घंटे 30 मिनट आपको 5 घंटे मिनिमम लॉगिन देना है, और इसमें काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को जो है ₹80 इंसेंटिव मिल रहा है, 3 ऑर्डर मिनिमम डिलीवर करने हैं, और 1 ऑर्डर आप रिजेक्ट कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको यहाँ तक कंडीशन आप लोगों को पता चल गया। फिर आएगा भैया पे लेट नाइट, यहाँ पे आपको 2 घंटे 30 मिनट मात्र देने हैं, तो ₹65 आपको मिनिमम ₹65 आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, और ₹65 इंसेंटिव मिलेगा, आपको आधे घंटे की छूट मिलेगी, और 2.5 घंटे आप लॉगिन रह के जितना भी अर्निंग करेंगे आप 1 ऑर्डर से ज़्यादा वही रिजेक्ट नहीं कर सकते, और 2 ऑर्डर आपको मिनिमम लगाने, तो सबसे ज़्यादा इंसेंटिव जो है वो है 7 बजे से 12 बजे वाले में डिनर टाइम में, जिसमें कि ₹80 इंसेंटिव है। अब यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों के जो रूल रेगुलेशन इन्होंने दिया है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपको जो है इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। अब आप लोगों को वीकली इंसेंटिव अगर आप लोगों को बता देते, भाई वीकली इंसेंटिव में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना, तभी आप लोग अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, अच्छी अर्निंग के लिए आपको वीकली इंसेंटिव ज़रूर लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ बता देते हैं कि डिलीवरी ऑर्डर जो है आप लोगों को 50 ऑर्डर जो करना है, डिलीवरी ऑर्डर में आप लोग अगर करेंगे वीकली वाले गारंटी में आप लोग देख सकते हैं वीकली बम्पर गारंटी A1 up to, यानी 2 हैं 2 में से 1 ये है, जो कि 50 ऑर्डर में आप लोग ₹3,000 और 65 ऑर्डर में आप लोग ₹4,000 आपको मिलेगा। इसमें आप लोग ये देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि डू नॉट रिजेक्ट मोर देन 5 ऑर्डर, यानी पूरे हफ्ते में 5 ऑर्डर से ज़्यादा आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, और कंप्लीट एटलीस्ट 6 पीस, यानी आपको 6 पीक कंप्लीट करने हैं, यानी 6 स्लॉट आपको कंप्लीट करने हैं। डू नॉट कैंसिल एंड स्किप मोर देन 1 बुक स्लॉट, मतलब एक स्लॉट से ज़्यादा आप स्किप या कैंसिल नहीं कर सकते हैं, कैंसिल नहीं करेंगे तभी आपको मिलेगा, अगर आपने कैंसिल कर दिया तो सारा इंसेंटिव आपका गया, जितना अमाउंट मिला बस वही मिलने वाला है, ठीक है। कंप्लीट एटलीस्ट 2 मैंडेटरी स्लॉट, जो कि आप लोगों को 2 स्लॉट डेली कंप्लीट करनी है मिनिमम, जो कि लॉगिन 3 घंटे ये 7 से 11 वाली में जो है सैटरडे संडे को आपको 2 दिन जो काम करना ही करना है, सैटरडे संडे को 7 से 11 वाली रात में। अब आएगा भाई वीकली बम्पर गारंटी वाला जो दूसरा है उसका आप लोग देखेंगे तो भाई सबसे लाजवाब मुझे जोमेटो से भी बेटर ये वाला लगता है जब आप लोग अगर देखेंगे तो। देखो भाई यहाँ पर मैं जोमेटो में खुद दावा रखता हूँ कि पार्ट टाइम में जब हम लगभग 100 ऑर्डर वीकली में कर लेते हैं तो 100 ऑर्डर कर लेते हैं तो 6,000 इसमें निकल रहा हूँ, हम जोमेटो से कितना कमा
कमा रहे हैं मात्र 4500 रुपये, लगभग 5000 रुपये मैक्सिमम कमा पाते हैं, 4000 से 4500 रुपये कमा पाते हैं, ठीक है, जब 100 ऑर्डर करेंगे तो। भाई यहाँ पे 6000 रुपये दे रहा है, हो गया कि नहीं ज़्यादा। इसी वजह से कहते हैं सारी कंपनियाँ अच्छी हैं बट कुछ चीज़ों में डिफरेंट है, बस यहाँ पे इन्होंने कंडीशन लगा दी है, जोमेटो में कंडीशन नहीं है कुछ चीज़ों में। तो यहाँ पे देखिए 80 ऑर्डर का 4800 रुपये मिलेगा आपको मिनिमम, 100 ऑर्डर का 6000 रुपये मिलेगा, 120 ऑर्डर करते हैं तो 7250 रुपये मिलेगा, और 150 ऑर्डर भैया कर लेते हैं तो कंप्लीट 9000 रुपये मिलेगा। 9000 में 2000 रुपये पेट्रोल लगेगा और 28000 रुपये मंथली प्रॉफिट का सिर्फ है, ठीक है। अब इसके बाद हम आप लोगों को यहाँ बता दें कंडीशन क्या है। तो भाई देखो वही कंडीशन है, 5 ऑर्डर आपको कंप्लीट करने, पाँच डू नॉट रिजेक्ट मोर देन 5 ऑर्डर, 5 ऑर्डर से ज़्यादा आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन वही है सेम भैया, इसमें एटलीस्ट 8 पेक आपको कंप्लीट देने हैं, ठीक है, 8 स्लॉट तो आपको मिनिमम करने ही करने हैं, और यहाँ पे कंप्लीट एटलीस्ट 4 ऑफ वीक्स देने हैं, कंप्लीट एटलीस्ट 4 मैंडेटरी स्लॉट्स, और 4 मैंडेटरी स्लॉट में आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, 11 से 4 वाली जो मतलब दिन वाली है, 11 से 4 वाली सैटरडे संडे को आपको मिनिमम इसमें भी लॉगिन रहना है, और 7 से 11 जो शाम को है इसमें भी सैटरडे संडे, यानी 4 स्लॉट आपको करनी कंप्लीट करनी है, श्योर है करना पड़ेगा तभी आपको होगा। और लेकिन इसमें हाँ ये ज़रूर है कि उसमें 1 स्लॉट कैंसिल था, इसमें जो है 2 स्लॉट आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, यानी डू नॉट कैंसिल एंड स्किप मोर देन 2 बुक्ड स्लॉट। अगर आपके 2 स्लॉट, अगर आपने ये टारगेट कंप्लीट किया है, अगर आपने 2 कैंसिल कर चुके हैं, 2 स्किप स्लॉट बुक किए हुए स्लॉट को स्किप कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कर सकेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे बता दें वेटिंग का रुपये मिलता है, तो वेटिंग भैया 1 रुपये पर मिनट के हिसाब से मिलता है, और लॉन्ग डिस्टेंस का जो है 4 किलोमीटर का लगभग 28 से 30 रुपये देता है, यानी 7 से 8 रुपये पर किलोमीटर देता है। बट ये आप लोगों को सब कुछ ख़त्म हो जाता है जिस दिन आपका इंसेंटिव वाला टारगेट कंप्लीट होता है। तो भाई टारगेट काफ़ी अच्छा अचीव होता है इसमें, और काफ़ी अच्छा मिलता भी है। और मैंने अब जो स्विगी में एक दिन किसी दिन काम करते हैं भाई, अब यहाँ पे अब मैंने बहुत ही अच्छे से यूट्यूब पे वर्क करना है, आप लोगों के लिए जो भी कंटेंट हो सकेगा आप लोगों को देंगे। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, और आप लोगों के लिए स्विगी जोमेटो ओला रैपिडो जो भी राइडर, बस आप मेरा मोटिव एक यही है कि आप गोप्रो ले लें किसी भी तरीके से लें, या चोर बाजार दिल्ली में जाके लेना पड़े मुझे, तो मैंने बात की है, तो हो सकता है कि दिल्ली से मंगवा भी लें 10,000 12,000 जो भी मिले, लेकिन भाई कंप्लीट वीडियो बहुत ही अच्छे से अब आप लोगों को बनाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना रेट कार्ड आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया, फिर भी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो फिर से और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और भाई इसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है, जोमेटो स्विगी दोनों कंपनी भाई बेस्ट हैं, बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है, ठीक है। और इसमें ये है कि इसमें किसी तरीके से बाउंडेशन नहीं है, अगर हमको किसी दिन काम पर नहीं जाना तो भैया 2-3 दिन की छूट मिल जाती है, हम जा भी सकते हैं। स्विगी जोमेटो में है कि हम 2-4 दिन की छूट ले सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, छुट्टी लगा दो, स्टार आपका डाउन नहीं होगा, इस तरीके से होता है। उसके लिए हम अलग रेट कार्ड के लिए वीडियो बनाएंगे, कई सारी कंडीशन है जिसको पता नहीं होता। और भाई साहब ये वीडियो स्पेशली जो कह देते हैं ना कि अरे ये तो वीडियो पुराने टाइप का, भाई सबसे बड़ी बात बता दें कि ये वीडियो उन राइडरों के लिए जो नए ज्वाइनिंग होना चाहते हैं, उनके लिए नया है, उनके लिए उनको नहीं पता होता, तो उनके लिए भाई नया ही होने वाला है। तो चलो भाई हम आपको इस वीडियो से विदा लेते हैं, और आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखें, और ऐसे वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करके जरूर बताना, और बाय बाय, ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।